गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया, उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गीता का एक जैसा विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि ये हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था विधि ये बताई गई है, और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं। इस बार जो 8वां होगा इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सर्स मेला लगता है, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सर्स नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहां आते हैं, तो उनको वहाँ स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं, उसका एक सिस्टम है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा, 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन है उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम एक उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं, तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है, जैसा हर वर्ष करते हैं। इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांगिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे, और उसमें हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम, बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांगिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांगिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायंकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे, तो 24 को क्योंकि रविवार है इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उसने सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं, गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला बाजार वो सारे लगे होते हैं, और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा, और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी, और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए, तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित किए कि नहीं, ये कोई अभी नहीं, क्या केडीबी ने कुछ किया, 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000 कोई 2,000 कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं, या कुछ विद्यालय कॉलेज वो भी होते हैं अपने बच्चों को लाके शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है, और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसमें भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का, बताएंगे आप क्या है? प्रतिदिन बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक भाग उसमें लेते हैं
ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को, उसका क्या परिणाम रहा है? उसमें पार्टिसिपेट किए थे 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000, 21,000 और 11,000 और 1100 के 4 पुरस्कार, तो ऐसे महिला और दौड़ नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता, नाम है गीता मैराथन, 5 उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है, जैसे आखिर हम प्रदर्शनियां भी लगाते हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है। हमने मैराथन कराई नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी, तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी, साइक्लोथोन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध, यानी उसमें नशा मुक्ति के फेरों में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका थीम होता है, तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके और गीता मैराथन 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं अपने, जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे, कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, तो उसे लाभ मिलेगा, तो सबके अपने अपने हेतु होते हैं, इसलिए दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाए, अपने स्टॉल लगाए, और वहां पर उनके संत महात्मा आकर के 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना रुकना चाहें वो रुकें, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, उनको स्थान देंगे, और जो, जो उनकी बिजली है या बाकी है व्यवस्था सारी करेंगे, लेकिन वो अपने अनुयायियों को आकर के, जैसे हम कुंभ में देखते हैं सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर लगाते हैं, तम्बू लगा लिया, उनके अनुयायी आए बैठे, तो ऐसा उसमें जैसे खास करके संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, दिव्य ज्योति, चिन्मया मिशन, इस्कॉन, 4800 कुरुक्षेत्र की अपनी एक संस्था भी बनी है, तो ऐसे सब संस्थाएं इन्होंने हमसे स्थान मांगा है और वो आकर के अपना अपना प्रदर्शनियां लगाएंगे, उनका आयोजन करेंगे। गीता पुस्तक मेला इसका भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें 25 से अधिक संस्थाएं हैं जो प्रकाशक हैं, वो गीता को अलग अलग प्रकार से जैसे भी टिप्पणी लिखते हैं उसमें उसका सार लिखते हैं, अपने अपने प्रकार से वो उसमें पुस्तकों को वहां पर प्रदर्शन करते हैं। वहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो लोग फन फेयर में भाग लेते हैं स्पोर्ट्स में, एयरो स्पोर्ट्स, जैसे इस बार आया ना कि हमने पैसा उनसे लिया है, बैलून वो तो पिजोर गार्डन नहीं, एक वहां भी कह रहे ना कि ठेका उठा इस चीज का, झूलों का है, तो झूले भी अपने आप में वो भी फन फेयर ही है। तो ऐसे फन फेयर मेलों में ये समय तक चलते हैं, आज से नहीं चलते, प्राचीन समय से। जब छोटे होते थे तो दशहरा मैदान, दशहरे का जो मेला लगता था उसमें वो बैठ करके वो झूला झूलते थे, गोल चलते थे, तो ऐसे सब फन फेयर, इसका भी एक वहां व्यवस्था, पैराग्लाइडिंग इसकी व्यवस्था। अभी जो हॉट एयर बैलून की व्यवस्था तो केवल पिंजौर में की है, अब वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इस नाते से इन मेलों में शायद उस प्रकार की नहीं उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जो सामान्य झूले होते हैं वो झूले झुलाने वाले, और वहां पर बैलून का भी सब किया है, कहां आया है कोई, चलिए अच्छी बात है। वहां पर जो कलाकार हैं, रंगोली है, क्ले मॉडलिंग है, सांजी है, पॉट डेकोरेशन है, फैंसी ड्रेस है, झांकी, पोस्टर, पेंटिंग, इस प्रकार के भी जो कलाकारों के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो अपनी कला के माध्यम से भी उसमें भाग लें। कुल मिलाकर आयोजन को धीरे धीरे और विस्तार दे रहे हैं ताकि
एक तो जितना ज्यादा विस्तार देंगे, जितना जो ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उतना अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी आते हैं। वो आते हैं तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होता ही है, कई चीजों का हम ऑक्शन करते हैं। और धीरे धीरे अब ये मेला आत्मनिर्भर यानी आर्थिक दृष्टि से, अपने खर्चे की दृष्टि से सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी हो रही है। और ये पहला वर्ष ऐसा है कि जो अनुमान खर्चे का लगाया है उतना इसमें रेवेन्यू इनकम भी आने वाली है, ब्रेक इवन होगा, शायद KDB को इस बार कोई सहयोग ग्रांट आदि न देनी पड़े। वैसे हर वर्ष देते हैं, पहले वर्ष तो 3-4 करोड़, कितना पिछले बार 3.25 करोड़ था, 3.5-4, वो तो डिपेंड करता है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये सब बाद में लगता है। लेकिन इनके पास जैसा अब रेवेन्यू आया है, चाहे वो स्टॉल्स के पैसे आए हैं, चाहे जो फन फेयर का आया है, चाहे पार्किंग का भी ठेका उठाया है, तो अब जैसे जैसे उनको इनकम होती है उस हिसाब से अगली बार ज्यादा आते हैं। तो इस बार जो आया उनका ठेका बढ़कर के आया है, तो हमें लगता है कि इस बार शायद अपने पैरों पर ये मेला खड़ा हो जाए। और मेले वास्तव में चलते भी तभी है लंबे जब अपने खर्चे को अपने आप निकाल लें। सरकार के प्रारंभ में शुरू करने में तो किया जा सकता है, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मुझे ध्यान में जब पहले 2 साल हमने शुरू किया तो विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया, बताया 100 करोड़, लेकिन कुल मिला के हमारा 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा पहले साल में हो गया था। अच्छा उस साल पहला ईयर था, खर्च थोड़ा ज्यादा ही हुआ, हमें भी पता है, बाद में हमें अनुभव हो गया कि किस चीज का खर्चा करना, किसका नहीं करना है, किसका कम किया जा सकता है। तो कम करते करते वो 3-4 करोड़ तक ही खर्चा आ गया है। पिछली बार उसमें 1.25 करोड़ हमको डालना पड़ा था, इस बार मुझे लगता है कि KDB को उसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें से कुछ पैसा बचना शुरू हो जाए, और जैसे शीतला माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहां का पैसा उनके पास बचता है तो सामाजिक काम करते हैं। मेला अथॉरिटी सामाजिक कामों में कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आज तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वो सहायता करता है, हो सकता है मेला अथॉरिटी कल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही कुछ योगदान करे तो वो अपना विकास का काम कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।